अस्सलाम वालेकुम यूस, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा मैं ये देख रहा था कि लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे कि पाकिस्तान में एड्स किस तरह रन करें, टिकटॉक एजेंसी अकाउंट किस तरह क्रिएट करें, क्या वो कौन सा अकाउंट है जिसमें वर्ल्ड वाइड टारगेट कर सकते हैं, टारगेटिंग के रिस्ट्रिक्शंस हैं। बहुत सारे लोगों के क्यूरियस थे रिगार्डिंग एजेंसी अकाउंट, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन डिटेल बताऊंगा कि किस तरह आप लोग एजेंसी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, पाकिस्तान में एड रन कर सकते हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे आप लोगों को पता है कि हम पाकिस्तानी आईपी से एड अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, पाकिस्तान में टारगेटिंग नहीं कर सकते थ्रू पाकिस्तान एड अकाउंट, और हमें अगर वर्ल्ड वाइड टारगेटिंग करनी है, अगर यूएस के अलावा यूके में भी करनी है, तो उसमें भी हमें अलग अलग अकाउंट चाहिए होगा, वो भी एक हेक्टिक है। अगर किसी के स्पेंडिंग लिमिट, अगर स्पेंडिंग ज़्यादा है तो उसमें भी नॉर्मल अकाउंट वगैरह फ़ायदा नहीं होता। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो लोग पूछ रहे थे और बहुत सारे सवाल आते। तो इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या फीचर्स हैं ये सब, और किस तरह साइनअप करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो मेक श्योर करें ये वीडियो एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो ये फ़ायदा नहीं होगा वीडियो देखने का। तो मेक श्योर करें कि वीडियो को एंड तक देखें और हर स्टेप को फॉलो करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, जैसे आप लोगों को पता है कि मैं ई कॉम द मीडिया में ऑफिशियल पार्टनर हूँ फॉर पाकिस्तान रीजन। आई एम द फर्स्ट पर्सन इन पाकिस्तान के जो पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहा है और ई कॉम द मीडिया में पार्टनर है। अच्छा, व्हाट इज़ ई कॉम द मीडिया? अच्छा, ई कॉम द मीडिया एक टिकटॉक एजेंसी पार्टनर है और टिकटॉक मार्केटिंग पार्टनर है। ई कॉम द मीडिया का काम है कि वो एजेंसी अकाउंट प्रोवाइड करे आपको और जिसके थ्रू आप लोग टिकटॉक एड्स रन कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे आप लोगों का सवाल है कि पाकिस्तान में हम एड्स किस तरह रन करें, तो एक ही सोल्यूशन है, वो है टिकटॉक एजेंसी अकाउंट। आपको टिकटॉक एजेंसी अकाउंट इसलिए क्योंकि आप उसमें वर्ल्ड वाइड टारगेटिंग कर सकते हैं, तो उसके अंदर पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अच्छा, अब जैसे आप लोगों को पता है कि मैं ऑफिशियल पार्टनर हूँ और आप लोगों के बहुत सारे बेनिफिट्स मैं लिस्ट डाउन करूँगा। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू साइनअप करते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट आप अनलॉक कर लेंगे, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अच्छा, जो सबसे पहला बेनिफिट है वो ये है कि आप मिनिमम टॉपअप $100 कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली ई कॉम द मीडिया अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप $200 मिनिमम टॉपअप है, जबकि अगर आप मेरे लिंक के थ्रू करेंगे तो $100 टॉपअप होगा। जो सेकंड बेनिफिट है वो ये है कि आपसे जो चार्जेस लिए जाएंगे वो जस्ट 9% ऑफ द टॉपअप होगा, और जो सब्सक्रिप्शन फी होगी वो आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। आपको अनलिमिटेड एड अकाउंट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इरेस्पेक्टिव कि उस पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं होंगे। अगर आप नॉर्मली जाते हो तो आपसे चार्ज किया जाएंगे। व्हाट इज टॉपअप? अच्छा, टॉपअप ये चीज़ होती है कि डेफिनेटली आप लोगों को स्पेंड करने के लिए कोई अमाउंट चाहिए, कोई फंड्स करने पड़ेंगे, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि फंड्स ऐड करने पड़ेंगे, बैलेंस अमाउंट को डिपॉजिट करने पड़ेंगे जो कि आप एड्स पर स्पेंड कर सकेंगे, ठीक है। तो जो कंपनी अमाउंट चार्ज भी करती है वो टॉपअप का 9%। लेट्स से जिस तरह आप अगर मेरे लिंक के थ्रू साइन अप करते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो आप मिनिमम $100 तक टॉपअप कर सकते हैं। तो लेट्स से आपने $100 टॉपअप किया, अब जैसे ही आप फंड्स ऐड करेंगे $100 पे, तो $100 पे 9% लगेगा। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो $100 का 9% $109 बनता है, ठीक है। तो ई कॉम द मीडिया आपसे $109 चार्ज करेगी, जो कि $9 है वो ई कॉम द मीडिया के पास जाएगा, और जो $100 है वो डिपॉजिट हो जाएंगे आपके टिकटॉक अकाउंट में, जो कि आप स्पेंड कर सकेंगे। जो थर्ड बेनिफिट है वो ये है कि आपको एक फेसबुक का एक एक्सेस मिलेगा, जो कि सोलो उन लोगों के लिए जो मेरे लिंक के थ्रू साइनअप करेंगे, एड्स चलाएंगे। जो फोर्थ है और सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि अगर आप मेरे लिंक किसी दोस्त को या अपने फैमिली से कुलीग में आप शेयर करते हैं और वो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट करते हैं, एड्स रन करते हैं और अप टू $100 स्पेंड करते हैं, तो उनको मैं 5000 कैश बैक दूंगा। अच्छा, तो कैशबैक का क्या प्रोसीजर होगा? वो ये होगा कि आप थ्रू मेरे जो फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज है उसके थ्रू आप मुझे अप्रोच करेंगे, मुझे बताएंगे कि आपके दोस्त ने इस ईमेल के थ्रू रजिस्टर किया है, तो मैं कॉस्ट चेक करूँगा, देखूँगा कितनी स्पेंडिंग की है, और उसके बाद मैं देखूँगा अकाउंट उन्होंने क्रिएट किया हुआ या नहीं किया हुआ। तो उसके बाद वंस इट इज़ वेरीफाइड, फिर मैं आपको 5000 rupees मैं आपको अकाउंट पर ट्रांसफर कर दूँगा। सिर्फ पॉइंट है वो ये है कि आपको कोचिंग मिलेगी मेरी तरफ से 1-on-1 फॉर फ्री,
कोई चार्जेस नहीं दिए जाएंगे, बट इसकी एक कंडीशन ये है कि आपको हायर स्पेंडर होना पड़ेगा। अगर आप हायर स्पेंडिंग करते हैं तो मेरे हिसाब से कोचिंग मिलेंगे, जिसमें मैं स्केलिंग के सर्विस बताऊंगा, ऑप्टिमाइजेशन के, किस तरह टेस्टिंग करनी, तो आपके जो भी क्वेश्चन उसका भी आंसर करूंगा, प्लस आपको मैं आपके जो स्केलिंग स्ट्रेटजीज है वो भी बताऊंगा। अच्छा, जो सिक्स पॉइंट है वही है कि मेरी पर्सनल सपोर्ट मिलेगी। जिस तरह मैं आपको अगर कंक्लूड करूं तो मैं ईकॉम द मीडिया और टिकटॉक, ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। आपको जो भी इशू होगा वो विद इन 24 आवर्स रिजॉल्व हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिंक के थ्रू मोर देन 40 मेंबर्स ऐड हो चुके हैं, और जो सपोर्ट है वो मतलब हमें विद इन 1 आवर्स 2 आवर्स हम उनकी जो प्रोडक्ट लिंक है, जो भी क्यूरीज हैं वो रिजॉल्व करते हैं। तो सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो सपोर्ट है। डेफिनेटली आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा एक दो दिन का, आपको विद इन 12 आवर्स और मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर अंदर आपके जो भी क्यूरीज होंगे, भले वो एड्स से रिजेक्शन के इशू हो, पॉलिसी रिजेक्शन के हो, कंपनी में कोई इशू आ रहा है, तो सब सारे आपके इशू रिजॉल्व किए जाएंगे विद इन 24 आवर्स। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक लाइव साइन अप करने का तरीका बताता हूँ कि आप किस तरह कर सकेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले आप लोगों को मेरे लिंक पर जाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, प्लस कमेंट में भी पिन कर दूंगा, ताकि आप लोग उसके थ्रू आप अकाउंट क्रिएट कर सकें। तो सबसे पहले आप उस लिंक पर गए, ठीक है, और आप क्लिक करेंगे ज्वाइन नाउ या नीचे साइन अप आ रहा होगा वहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर वहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स आपको वहाँ पर फिल आउट करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे ही वंस यू साइन अप तो आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने ईमेल को वेरीफाई करें, ठीक है। आप जाएंगे जीमेल पे या जो भी आपने ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है वहाँ पर आप ईमेल को वेरीफाई करेंगे। वंस इट इज़ वेरीफाइड तो फिर आपको एक आपसे फिर बिजनेस डिटेल्स पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को सारे बिजनेस जो भी डिटेल्स आपकी हैं रिगार्डिंग भले शॉपिफाई स्टोर है, जो भी आपका स्टोर है, तो आप या आपके कोई सर्विस इंडस्ट्री है, तो आपको सारे जो बिजनेस आपको फिल आउट करनी पड़ेगी। तो आप लोगों जैसे आप फिल आउट करेंगे, अपने बिजनेस डिटेल डालेंगे, जो व्हाट्सएप नंबर है वो डालेंगे, तो जैसे आप कनेक्ट करेंगे उसके बाद आप आ जाएंगे ईकॉम द मीडिया के डैशबोर्ड पे। जैसे आप डैशबोर्ड पे आएंगे उसके बाद आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा प्रोडक्ट लिंक। व्हाट इज़ प्रोडक्ट लिंक? अच्छा, प्रोडक्ट लिंक ये होती है कि हम लोग एजेंसी अकाउंट प्रोवाइड करने से पहले वेबसाइट को रिव्यू करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि जो पॉलिसीज हैं वो रिस्ट्रिक्ट हैं, हर नीश को अलाउ नहीं है, तो हम सबसे पहले वेबसाइट को रिव्यू करते हैं कि ये एज पर पॉलिसी है या नहीं है। जो पॉलिसीज अवेलेबल हैं फुटर सेक्शन पे या जो प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हैं ये एज पर टिकटॉक पॉलिसी है या नहीं, अगर है तो हम लोग अप्रूव कर देंगे, अगर नहीं होगा तो हम रिजेक्ट करके आपको फीडबैक भी दे देंगे। अच्छा, जैसे ये प्रोडक्ट लिंक आपके फॉर एग्जाम्पल आपकी लेट से आपकी प्रोडक्ट लिंक अप्रूव हो गई, उसके बाद क्या करेंगे? अच्छा, उसके बाद आप लोग पेमेंट मेथड ऐड करेंगे। अच्छा, आपका सवाल होगा कि कौन कौन से पेमेंट मेथड आप ऐड कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपका पेमेंट मेथड है क्रेडिट कार्ड, आप कोई सा भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड है पीएनआर, आप जैसे जो पीएनआर है वो कनेक्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू आप फंड्स ऐड कर सकते हैं। जो थर्ड है वो है पेपल, आप आराम से जो पेपल वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं और आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, वंस आप लोग कार्ड अटैच कर दें फिर उसके बाद आप लोगों को फंड्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। आप फंड्स जैसे मैं आपको कहा था मेरे लिंक के थ्रू साइन अप करते हैं तो मिनिमम आपको $100 टॉपअप करना पड़ेगा या फंड्स ऐड करने पड़ेंगे जो कि आप स्पेंड कर सकेंगे। जैसे ही आप टॉपअप करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने $100 टॉपअप किया तो आपके कार्ड से $109 चार्ज हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि $9 ईकॉम द मीडिया के पास जाएगा और $100 आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे टिकटॉक अकाउंट में। अच्छा, ये याद रखिएगा कि आप मैक्सिमम मतलब जरूरी नहीं कि मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम $100 है, मैक्सिमम $1,00,000 भी कर सकते हैं, $1,000 भी कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, बट मिनिमम की लिमिट है जो मैं आपको बताया कि $100 है। वंस आपके जो आपने टॉपअप कर लिया उसके बाद आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, अकाउंट किस तरह क्रिएट करेंगे? आप जाएंगे ओवरव्यू पे, आप जैसे टैब देख सकते हैं ओवरव्यू पे जाएंगे, उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा और उसके बाद आपके सामने आ रहा होगा कनेक्ट बिजनेस टिकटॉक बिजनेस सेंटर। वहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपसे दो ऑप्शन मतलब अवेलेबल होंगे कि गेट एड अकाउंट और क्रिएट टिकटॉक बिजनेस सेंटर। अच्छा, तो आप लोगों को क्लिक करना होगा गेट एड अकाउंट पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एक डैशबोर्ड या एक पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहाँ पे आपसे डिटेल्स वगैरह मांगी जाएंगी। वहाँ पे आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा ईमेल के थ्रू, ठीक है। आपने साइन अप वगैरह किया, आपने अपना जो टिकटॉक बिजनेस सेंटर आपने क्रिएट कर लिया, वंस आपने वो सारी डिटेल्स फिल आउट कर ली,
फिर उसके बाद फिर आपको विद इन ईकॉम द मीडिया के डैशबोर्ड पे आपको बिजनेस सेंटर वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा, एड अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसी मतलब सब कुछ आपको ईकॉम द मीडिया के अंदर प्लेटफॉर्म के अंदर सब कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे, लिंक करेंगे, तो उसके बाद आपके पास टिकटॉक एड अकाउंट का एक्सेस आ जाएगा और उसके बाद आप आराम से अपने स्टोर के लिए एड्स रन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप टिकटॉक एजेंसी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और क्या क्या बेनिफिट्स हैं अगर आप मेरे लिंक के थ्रू जाते हैं, तो मेक श्योर करें जल्दी साइन अप करें, पाकिस्तान में एड्स रन करें, आपके बिजनेस को स्केल करें। तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर करें मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करेगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।